वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है अगला दिन, लाइक नेक्स्ट डे 6 तारीख, कल दुर्गा का बर्थडे है और राजा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उन्हें रात से फीवर, सर में दर्द, चिल्स आ रहे हैं, वायरल लग रहा है, उठा नहीं जा रहा है, उनसे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब समझ में नहीं आ रहा है, आज पूरी डेकोरेशन का जो काम था वो देखने जाना था इन्हें, अब पता नहीं कैसे जाएंगे, कल तक कैसे होगा। एक्चुअली में पेमेंट चली गई है और अगर आप कोई थीम बर्थडे करा रहे हो तो बहुत अच्छा खासा पैसा चला जाता है, यू कांट कैंसिल इट। तो वही नहीं समझ में आ रहा है, तो अब इनको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और या फिर तो मेरे भाई जो है वो दवाई देगा और देखते कि दिनों में रिकवरी होगी। चिल्स बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और ये देखिए भगवान की इतनी अच्छी चीज़ हुई सुंदरकांड पे, जो प्रसाद था वो जो बंदर आए थे उन्हें खाया, मतलब प्लेट से। तो काफ़ी अच्छा रहा फंक्शन, पर अब टेंशन हो रही है राजा की, बहुत ज़्यादा तबीयत जो है वो ख़राब हो गई है, वो बिल्कुल भी नहीं उठ नहीं पा रहे अभी। इतना आलसी होता जा रहा है उनके लिए, नन्नी नानी की मामा की मामा मेंटल मेंटल नहीं। हेलो, तो आज है वेडनेसडे और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, होटल जा रहा हूँ, डेकोरेशन हो रहा है वहाँ पे, तो उसकी तैयारी देखनी है कि क्या कैसा क्या होना है। तो हम लोग की तबीयत ख़राब हो गई है, शिवानी हॉस्पिटल को बताया हो, शिवानी को भी, मेरे को भी वायरल हो गया। रात को 102-103 फीवर आया था, 4-4 कंबल ओढ़ के मेरे को सोना पड़ा था। तो लग रहा था सुबह, तो यही लग रहा था कि मुश्किल है कि मैं उठ भी पाऊँ, लेकिन दवाइयाँ सुबह से बहुत सारी मेडिसिन ली है तब जाके कुछ सही लग रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं होटल, वहाँ डेकोरेशन हो रहा है, उसकी तैयारी देखनी है क्या कैसा हो रहा है, क्योंकि सामने के सामने हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, पीछे उन लोग बन जाने क्या डेकोरेशन कर रहे हैं या कैसा करेंगे कैसा नहीं करेंगे, तो ये देखना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से कार वाला आ जाए, उसके बाद हम चलते हैं होटल और वहाँ आपको दिखाते हैं तैयारी डेकोरेशन की। तो फ्लैग्स बनना था बर्थडे का, तो इसी के लिए डिज़ाइन देने आए हैं। अच्छा, डिज़ाइन दे दिया था फाइनल का। चीज का डर था जो मेरे को देखना था, डेकोरेशन फुल एंड फाइनल कैसे हुआ। फाइनल बात हो गई है और जो दिक्कत जा रही थी उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया गया है। पहले कटआउट्स की दिक्कत हो रही, जो गंदे अंदर दिख रहे थे साफ नहीं किए, जो धूल लगता था तो वो शाइनिंग नहीं मार रहे थे, तो मुझे ये लगा लूगल टाइप के कटआउट्स लगा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैं साफ ऑफ कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनल तो शाम को पता चलेगा, अभी तो नॉर्मल बलून्स फुला रहे हैं, जब तक पूरे डिज़ाइन नहीं हो जाएंगे, अच्छे से डिज़ाइन नहीं होंगे तब तक फाइनल डिसीजन नहीं होगा।
पूरा सरोजनी घूमा है, पूरा मार्केट घूमा है दिल्ली का। डुक्कू की टी शर्ट लेनी थी सूट के साथ, पहले शर्ट पहना रहे थे, शर्ट तो है डुक्कू की लेकिन टी शर्ट लेनी थी वो लाना भूल गए हैं। तो अब मैं फिर से मार्केट जा रहा हूँ, यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है, कार में एसी में बैठे उसके बाद भी देखिए चूप चूप पसीना करता है जैसे घर में करता है चूप चूप पसीना। तो हम लोग मार्केट जा रहे हैं, वहाँ देखना है डुक्कू की टी शर्ट, 3:30 बज के हम मार्केट जाएँ, डुक्कू की टी शर्ट लेनी है। और शिवानी के लिए क्या क्या डिमांड आई, कुछ ब्लैक कलर का उसके गाउन के साथ उसका चोकर भूल गई है लाना, ब्लैक कलर का चोकर लेना है प्लेन। हाँ थोड़ा बहुत ये तो बहुत ज़्यादा हैवी है, वो थोड़ा उसमें नहीं आते अपना हल्के में आते हैं। हाँ हाँ पार्टी बॉम्ब करने आया था, शिवानी का भी कॉल आया है, उसको 102 फीवर हो गया है, दवाइयाँ वो लेके जानी है। वैसे मैंने ली थी इन्फेक्शन की दवाई एंटीबायोटिक, लेकिन और दवाइयाँ लेनी पड़ेगी और नहीं समझ में आ रहा है। मैंने भी दवाई खाई थी, दवाई ली थी तो थोड़ा बहुत मेरा बॉडी पेन सही हुआ था, लेकिन अभी फिर से मेरे वो दिक्कत आ रही है, शाम का समय हो गया है और बॉडी पेन चालू हो गया है। दवाइयाँ लेकर ली गई हैं, लोगों का फेरेक्स भी ले लिया है, जल्दी से घर जाना है, दवाइयाँ खानी है जिसका तबीयत थोड़ी सही रहे। Thank you.
बहुत डाउन है डोगो की, तो स्पेशली अभी हम डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं इसे। हम लोग भाई ने लिख दिए दवाई तो वो ले रहा है। 102 फीवर चल रहा है इसका, 101.6 था अभी, अब इसका फीवर उतरा हुआ है तो मैं उसको खाना खिलाने लाई हूँ। कल बेबी का बर्थडे है और बेबी को फीवर है। कल आई थी ना इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, कल सुंदरकांड था, वायरल है क्लियर, क्योंकि वही बॉडी पेन, जब सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है कमर और पेट में, बहुत दर्द है, सर दुख रहा है, ऐसा लग रहा है तबाही ऐसे। मम्मी की भी तबीयत खराब है, मेरी बहन का भी हल्का गला खराब हो गया है। खिचड़ी हो गई, दाल बना के रखी है रात के लिए, अभी तड़का लगाना है। डुगू का मैंने उठते साथ ही खाना बना दिया था, तो ये है दाल और दही, तो इसको मैं जल्दी से मैश कर रही हूँ। पता नहीं कब कैसे होगा, अभी राजा गए थे फंक्शन काम में, क्या चल रहा है मैंने देखा भी नहीं, मैंने से बात हुई अभी तक। इसको जो डॉक्टर के पास लेके गए थे उस टाइम इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अभी बहुत एक्टिव है। डॉक्टर ने एंटीबायोटिक, एक खांसी की दवाई और फीवर की दवाई दी है, फीवर उतर गया है इसका, 102 फीवर था। एंटीबायोटिक उन्होंने कहा है कि ये रात में 9 बजे दी थी, अब सुबह 9 बजे इसको देनी है दवाई। और फीवर जब आए तो इसकी आँखें देखिए, तो सुबह राजा को हुआ उसके जस्ट 2-3 घंटे बाद मुझे लग रहा था फीवर, एंड उसके 2 घंटे बाद इसको शुरू हो गया। मम्मी की भी थोड़ी तबीयत डाउन है एंड दीपा को खांसी है, दीपा फिर भी अभी ठीक है, तो वही मुझे लग रहा है किसी की अब तबीयत और ख़राब ना हो। लगा था केक स्मैशिंग करेंगे इसकी 12 बजे, पर हो ही नहीं पाई है क्योंकि आपको पता है बर्थडे पार्टी जो है ना, हाँ तो लाइट जो है वो चली गई है, तो होपफुली हम कर पाएँ अच्छे से। और ये और इसका मूड अच्छा रहना चाहिए क्योंकि पूरी पार्टी ही इसकी है, कि पता चला पूरी वो हो जाए, वही हम लोग को लग रहा है। खैर कोई ना, हम लोग जो है अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, पूरा सब कुछ लाइक अरेंजमेंट जो है ना वो करा दिया है, और अब कैंसिल करने की भी कोई वो नहीं होती, 7 तारीख है जिस दिन बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे एंड एडवांस बहुत सारा चला जाता है, तो देखते हैं जैसा भी होता है और उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ प्लान आउट होगा। अगर ज़्यादा तबीयत वैसी रही तो फिर सोचते हैं कि क्या करना है, पर क्योंकि इसका फर्स्ट बर्थडे एंड ही इज़ लाइक अभी अच्छा है, तो इसको बर्थडे विश कर दीजिएगा सब। इसको बर्थडे व्लॉग होपफुली अगर अच्छा बन जाएगा तो आ जाएगा, और अगर हम लोग की तबीयत ऐसी ही रही तो पता नहीं क्या होगा। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी बर्थडे बाबा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, तो अभी ये सही लग रहा है, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक छेक है तो फिर खिलाओ जी, खिलाओ जी।